उत्तराखंड के मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड की बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान सीएम धामी समेत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित तमाम नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान धामी ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड बनाने के लिए रामपुर तिराहा कांड में जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, आज मैं उन सभी शहीदों को शत शत नमन करता हूं। तो सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आम जनता मौजूद रही। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड की बरसी जिस अवसर पर सीएम धामी शहीदों को श्रद्धांजलि देते दिखाई दी। हम आज जो 4 जो 2 अक्टूबर को जो हुआ था मुजफ्फरनगर में 1994 में, आज हम उन शहीदों को याद करते हैं और श्रद्धासुमन भी अर्पित करते हैं और उनकी आकांक्षाओं के अनुकूल हमारा उत्तराखंड बने उसके लिए अपने प्रयास जारी है। जिन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए रामपुर तिराहा कांड पर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व राज्य को बनाने के लिए लगाया, उन सभी हमारे बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को, मैं सबको अपना अपने श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए, हम सबकी खुशी के लिए, राज्य की खुशहाली के लिए, एक नया राज्य होगा, नए सपने होंगे, अनेक सपने देखे थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यानी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बापू को कोटिशः नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पोस्ट करते हुए संपूर्ण विश्व को सत्य, अहिंसा और सद्भावना का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम धामी ने वीडियो संदेश देकर श्रद्धांजलि अर्पित की, एक्सपोस्ट कर शेयर किया अपना वीडियो। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और इस अवसर पर दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। आप सभी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साबरमती के संत कहलाए जाने वाले सत्य, अहिंसा, शांति एवं सद्भाव के उपासक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्श, विचार और सिद्धांत हमारे लिए हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सत्य और अहिंसा के जरिए बापू ने राष्ट्र निर्माण में एक ऐसी अहम भूमिका निभाई कि आज भी उनके विचार मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। आज गांधी जी के स्वप्न के अनुरूप पूरा देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ स्वदेशी को अपना रहा है और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भारत की संकल्पना को साकार करने के मार्ग पर अग्रसर है। साथियों, आज सादगी और विनम्रता की मिसाल भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आइए, गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी उनके विचारों को अपनाकर अपने राष्ट्र और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने का संकल्प लें। जय हिंद। देहरादून में स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे होने पर हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत की
पिछले एक दशक की स्वच्छता उपलब्धियों को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान की सराहना की, जिसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने की उन्होंने अपील की। हमारा देश में पूरे हर राज्य में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है, और उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है, और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। स्वच्छता का अभियान पूरा देश भर में आंदोलन के रूप में पकड़ चुके हैं। मैं तो उत्तराखंड में देखा हूँ कि गांव-गांव पहाड़ों में भी स्वच्छता का सबको। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुछ स्ट्रीम को बंद किए जाने को लेकर सवाल लिए। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो पौधा लगाता है उसी को दर्द का एहसास होता है। आगे उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी हमने बहुत सारे पॉलिटेक्निक और ITI दिए थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि इनसे एक पॉलिटेक्निक भी संभाले नहीं जा रहा है। जनता की अपेक्षा एक पूर्ण बहुमत और डबल इंजन की सरकार से नहीं थी। कुल जिसने पौधा लगाया होता है दर्द भी उसी को होता है। कांग्रेस पार्टी ने हिसाब तोड़ पॉलिटेक्निक और ITI इस प्रदेश को देने का काम किया है। कोई विधानसभा आप देख लीजिए कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरह से पल्लवित और पुष्पित हो रही थी शिक्षा के क्षेत्र में, और आज सबसे बड़ा डेंट यदि धामी सरकार में या भाजपा सरकारों में दिया जा रहा है। प्रचंड बहुमत की और डबल इंजन की ये खुद को सरकार कहते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक तक इनसे नहीं संभल पा रहे हैं। आप एक के बाद एक विषय वहां समाप्त कर रहे हैं, स्ट्रीम्स को पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कम से कम जनता की अपेक्षा एक पूर्ण बहुमत और डबल। देहरादून में विद्यालय शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने विद्यालय को लेकर खास फैसला लिया है। आपको बता दें कि अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है जिसमें सोशल मीडिया और मीडिया पर ऐसी खबरें दिखाई जाती है जिसमें सरकार और विभाग की किरकिरी होती है, जिसको लेकर अब कमठान ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी स्कूल में कोई ऐसी घटना होती है तो पहले निदेशालय को देना ज़रूरी है। पर ऐसा होता है कि किसी विद्यालय में कोई इस तरह की गंभीर घटना होती है या कोई दुर्घटना होती है और वो हमारे संज्ञान में जो है हमारे अधिकारियों के माध्यम से नहीं आती है, अपितु वो मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आती है, तो ये निश्चित रूप से गंभीर विषय है। तो हमने इसमें सभी जनपदों को निर्देशित किया है कि अगर कोई भी इस तरह की घटना किसी भी जनपद में होती है तो इसको अविलंब जो है मेरे संज्ञान में लाया जाए, ताकि उसमें उच्च स्तर के अधिकारियों को भी सूचित किया जाए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा चुनाव प्रचार से वापस आकर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेश में आपदा से हुए क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों और पेयजल लाइनों को अभियान के तहत सुचारू करने के लिए कहा। साथ ही डेंगू की रोकथाम, चार धाम यात्रा समेत विभिन्न विषयों पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने कुछ दिन पहले एक धरना दिया। धरने में उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार देश प्रदेश भर में कई पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को बंद करने जा रही है। वहीं इस सवाल को जब तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी सरकार नहीं करने जा रही है। आगे कहा कि पूर्व में तो खुद यशपाल आर्य तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी नई स्ट्रीम की शुरुआत नहीं की। आज हमारी सरकार बच्चों के लिए ऐसी कोशिश लेकर आ रही है जिसकी दुनिया भर में ज़रूरत है। देखिए, यशपाल आर्य जी खुद भी तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे हैं और आज जिस तकनीकी को बात कर रहे हैं ये तकनीकी बहुत पुरानी भी हो गई है। क्यों नहीं ये नई स्ट्रीम शुरू की गई? मैं तो धन्यवाद देता हूँ अपनी सरकार का कि हमारी सरकार ने इस बार सरकार बनाने के बाद 10 नए जो समसामयिक स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो गेमिंग एंड एनिमेशन हो, चाहे वो रोबोटिक इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डेटा साइंस हो, इस तरह के 10 नए कोर्स हमने।
हरिद्वार के रुड़की में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया और ऊर्जा निगम द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किया। साथ ही सीपीयू द्वारा जगह जगह चेकिंग के नाम पर हजारों के चालान काटने पर का भी विरोध किया। शोर को और भारत निर्माण में छेड़ा ना जाए या मैं और कहता था और मैं भी चांद में हटाएगा ये सब बात कर रही मैं तो किसान ने भरा था तो वो आंदोलन जारी है आज तो मैं रोक कर रुड़की में निर्माण दिया था किसान की रुड़की किसान की। उत्तराखंड सरकार जल्द ही एक प्रवासी सम्मेलन करने जा रही है। इस प्रवासी सम्मेलन को लेकर प्रदेश सरकार खासा उत्साहित भी नजर आ रही है और देश भर से उत्तराखंड के उन लोगों को इस सम्मेलन में बुलाया जा रहा है जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे हैं लेकिन उनकी जड़ें उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। वहीं सरकार द्वारा किए जा रहे प्रवासी सम्मेलन का स्वागत विपक्ष ने भी किया है। एक संवाद तो स्थापित होना ही चाहिए प्रवासियों की जो कष्ट परेशानी है क्यों उनको अपना प्रदेश अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूसरे शहरों में बसने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूरा देश जो है उत्तराखंड का रुख कर रहा है और हमारे लोग पलायन करके बाहर बस रहे हैं तो उसके मूल जड़ में जाने के लिए यदि ये सम्मेलन रखा गया है पलायन की दृष्टि से उसको रोकने के लिए मंशा से ये अगर रखा गया है लोगों की कष्ट और परेशानी जानने के लिए रखा गया है तो मैं इसका स्वागत करती हूँ। अगर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का एक और जरिया है तो देहरादून में सीएम धामी की तरफ से यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान दिया गया है जिसको लेकर यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजू डोभाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। डोभाल ने कहा कि इस मास्टर प्लान के तहत रिंग रोड भी बनाई जाएगी और इसकी पहली किश्त उत्तरकाशी जिला प्रशासन को जल्द ही मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रोप वे के प्रथम चरण का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है और बहुत जल्द रिंग रोड निर्माण का कार्य भी शुरू किया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे यमुनोत्री के लिए एक मास्टर प्लान दिया है उसमें रिंग रोड भी है और सभी कुछ है और जो भी चीज़ें हमने उन्होंने उनके नेतृत्व में अभी मास्टर प्लान भी जल्द मतलब एक दो महीने के अंदर उसकी पहली किस्त जिला प्रशासन को प्राप्त हो जाएगी और दूसरा रोपवे का कार्य भी लगभग प्रथम चरण का पूरा हो गया है जो जियो टैगिंग वगैरह होती है उसका हो गया है बहुत जल्द। उत्तराखंड के चमोली उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के 11 राजस्व गांव गैर आबाद है। ग्राम्य विकास एवं पलायन निर्माण निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि आयोग ने रिवर्स पलायन को बढ़ावा देकर इन गाँवों को आबाद करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। वहीं वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत प्रदेश सरकार सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं और पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में पलायन आयोग ने चीन सीमा से सटे उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी चमोली जिले के जोशीमठ पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी धारचूला विकासखंड के 131 गांवों का सर्वे भी किया है। गुरुकुल नारसन के राजा महेंद्र प्रताप आईटीआई कॉलेज के वर्तमान प्रधानाचार्य पर घर जाते समय दिन दहाड़े भरे बाजार में एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि मामला गुरुकुल नारसन का है जहां घटना के बाद आसपास के लोगों ने प्रधानाचार्य को उठाया और पुलिस चौकी ले गए। इसके बाद उनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल रुड़की में कराया गया मगर आईटीआई प्रधानाचार्य ने स्पोर्ट अकेडमी के निष्कासित प्रधानाचार्य पर उन्हें जान से मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस से गुहार लगाई कि जिस व्यक्ति ने उन पर हमला किया है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत गलत हुआ सब आदमी के हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए था और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए तेजवीर सिंह को जो हमारे आईटीआई के प्रधानाचार्य है उनके साथ मारपीट करी और वो उसकी जो वहाँ की कैमरा उसकी फुटवेज में भी आ गया सारा केस और उसके बावजूद भी उसने कल दोबारा अपना फिर एप्लीकेशन पुलिस को दे दिया और अपना मेडिकल करवा लिया झूठा। तो आईटीआई कॉलेज के प्रधानाचार्य
जिन पर हमला किया गया। प्रधानाचार्य पर घर जाते समय हमला हुआ और अब प्रधानाचार्य ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि जिस किसी ने भी हमला किया है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और तथ्यों को जाना जाए। नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने पत्रकार वार्ता कर घटती बेरोजगारी दर और बढ़ती जीएसडीपी की जानकारी साझा की। सचिव ने कहा कि नियोजन विभाग ने आगामी 5 सालों के भीतर जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। इस दिशा में विभाग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों में अभी तक 1.3 गुना जीएसडीपी बढ़ी है। बेरोजगारी दर को लेकर सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि 2022-23 में 15 से 29 वर्षीय ऊपर के लेबर फोर्स में इजाफा हुआ है। यह बढ़ोतरी करीब 4% हुई है। यह ग्रंथ राष्ट्रीय स्तर पर 2% हुई जबकि उत्तराखंड में यह 4% हुई है। खासतौर पर महिला श्रमिकों के आंकड़े में इजाफा हुआ है। लखपति दीदी योजना से भी इसके लिए कारगर साबित हुई है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि बेरोजगारी दर 14.2% से घटकर 9.8% पहुंची है। पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में भी इजाफा हुआ है। तो सरकारी नौकरी से भी प्रदेश में रोजगार बढ़ा है, ये बात उन्होंने कही। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आई राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। वित्तीय वर्ष में औसतन 26% प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। तो बढ़ती जीएसडीपी को लेकर प्रेस वार्ता की गई। अभी तक 1.3 गुना और तमाम जो योजनाएं केंद्र की है, लखपति दीदी योजना कारगर साबित हुई। इस तरह से पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में इजाफा हुआ, उन तमाम बातों को इस प्रेस वार्ता में साझा किया गया मीनाक्षी सुंदरम के द्वारा। बढ़ती जीएसडीपी की जानकारी पत्रकारों से साझा की। स्पेसिफिक क्वेश्चन टेकअप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इंडस्ट्री को हैंडल नहीं करता हूं और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हम पता कर लेंगे क्या क्यों ऐसा हुआ है करके। तो हम अब प्रदेश की जो ओवरऑल आर्थिक हालात हैं उसको प्लानिंग सेक्रेटरी में बता रहा हूं। तो स्टेट के जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो बिल्कुल राइट ट्रैक में है और दूसरा ये फिगर्स जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। आपके जीएसडीपी बड़ा है जिसका मतलब इकोनॉमी का साइज जो है बड़ा हो रहा है, उसकी वजह से रोजगार की नए नए अवसर क्रिएट हो रहे हैं, सृजन हो रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता योगेश सोनवाल। योगेश, फिलहाल किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या कुछ साझा किया गया? पर्यटन हो, रोजगार हो, उसको लेकर ये बताया गया कि कहीं ना कहीं प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। मीनाक्षी सुंदरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ जानकारी और उसके बाद की क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये और सचिव जो मीनाक्षी सुंदरम है उन्होंने, जो नियोजन के सचिव भी हैं, इसके साथ ही वो ऊर्जा के भी सचिव हैं और उन्होंने एक ये जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तराखंड की जीडीपी जो है वो बढ़ी है। अगर उन्होंने कहा कि जब देश की जीडीपी की हम बात करते हैं तो उससे ज्यादा जो है उत्तराखंड की जीडीपी बढ़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि श्रमिकों को जो मानदेय है या श्रमिकों की जो संख्या है वो भी उत्तराखंड में बढ़ी है, क्योंकि किसी भी प्रदेश को अगर आगे बढ़ना है तो ये जरूर देखा जाता है कि वहां श्रमिकों की संख्या कैसी है, श्रमिकों को रोजगार कैसे मिल रहा है, क्या श्रमिक जो है वो रोजगार उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। श्रमिक तो ठीक है लेकिन अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो यानी कि प्रदेश काम ठीक से नहीं कर रहा है। लेकिन उन्होंने बताया कि यहां पे श्रमिकों को बहुत अच्छा जो है रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही जीडीपी की उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि जीडीपी लगातार यहां पर बढ़ रहा है। इसी के साथ बेरोजगारी दर की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर बहुत घटा है। अगर बेरोजगारी दर घटा यानी कि युवाओं को रोजगार
मिला है और युवाओं को रोजगार मिला, यानी कि प्रदेश में काम हो रहा है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि बताया गया आंकड़ों के साथ बताया गया कि किस तरह से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, किस तरह से उत्तराखंड में रोजगार पैदा हो रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे कि सिर्फ आंकड़ेबाजी चल रही है, जमीन में कुछ नहीं है, अगर सरकार कह रही है कि हमने रोजगार दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया, जो सचिव है उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि रोजगार मिल रहा है, और आप आपको बता रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में रोजगार मिल रहा है। पर्यटन का उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में रीढ़ की हड्डी पर्यटन को माना जाता है, और आप जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में पर्यटन में लोगों को, जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिला है अलग अलग क्षेत्र में, चाहे किसी ने होम स्टे चलाया हो या फिर कोई अलग काम कर रहा हो पर्यटन से जुड़ा हुआ, सबको रोजगार मिला है। यानी उन्होंने पूरा रोड मैप अपना रखा और उन्होंने बताया कि क्यों महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें और किस तरह से प्रदेश सरकार यहाँ पर रोजगार दे रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जनता भी योगेश उम्मीद करती है सरकार से कि इसी तरह की कार्य योजना हो जिन पर पूरी कर्मठता के साथ काम किया जाए, और अगर वाकई में ये धरातल पर आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है उत्तराखंड के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड की बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सीएम धामी समेत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित तमाम नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड बनाने के लिए रामपुर तिराहा कांड में जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, आज मैं उन सभी शहीदों को शत शत नमन करता हूं। रामपुर तिराहा कांड के दौरान शहीद हुए बलिदानियों के जो सपने थे उनके अनुरूप आज पूरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हालांकि कई चुनौतियां भी सामने आ रही है, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके हमें शहीदों के सपनों का को पूरा करना है और पूरे देश में हमारा राज्य विकास की राह पर आगे बढ़े, एक आदर्श राज्य की पहचान के रूप में आगे बढ़े, इसके लिए हम लगातार संकल्पबद्ध हैं। मैं सबसे पहले जिन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए रामपुर तिराहा कांड पर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व राज्य को बनाने के लिए लगाया, उन सभी हमारे बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को, मैं सबको अपना अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए, हम सब की खुशी के लिए, राज्य की खुशहाली के लिए, एक नया राज्य होगा, नए सपने होंगे, अनेक सपने देखे थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य हमें बनाना है। और जो हमारे शहीद हुए, जो बलिदान हुए, उन सबके मन में उत्तराखंड के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें थी, उन सबको धरातल पर उतारना है, बहुत सारी हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम ठीक दिशा में, हमारे जो उत्तराखंड के बलिदानी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप उन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले जिन्होंने राज्य की